हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बर्थ इंजरी। तो बर्थ इंजरीज क्या होती हैं? तो ड्यूरिंग डिलीवरी, ठीक है, या ड्यूरिंग लेबर के दौरान बेबी में होने वाली इंजरीज को बर्थ इंजरी कहते हैं। ठीक है, या तो लेबर के समय या डिलीवरी के समय जो भी इंजरी होगी बेबी को, उनको बर्थ इंजरी कहते हैं। ठीक है, और ये बर्थ इंजरी होती है मेनली न्यूनेटल मोर्टिलिटी और मॉर्बिडिटी का मेन रीज़न हो सकती है। ठीक है, इसके बाद में इसके टाइप्स देखते हैं। तो टाइप में सबसे पहले इसके दो टाइप्स होते हैं, हेड इंजरी एंड अदर इंजरी। तो सबसे पहले हेड इंजरी हम देखते हैं। तो हेड इंजरी में सिफेल हेमेटोमा एंड स्कल इंजरी। ठीक है, तो सबसे पहले सिफेल हेमेटोमा क्या होता है, उसके बाद में अदर्स देखते हैं। तो अदर्स में होंगी स्किन या सुपरफिशियल टिश्यू इंजरी, मसल्स इंजरी, ठीक है, और नर्व इंजरी। ठीक है, उसके बाद में बोन इंजरी। ठीक है, तो बोन इंजरी में डिसलोकेशन ऑफ जॉइंट्स, तो ये सब हम देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हेड इंजरी में सिफेल हेमेटोमा देखते हैं। तो सिफेल हेमेटोमा क्या होता है कि पेरिओस्टियम और स्कल की जो फ्लैट बोन होती है उनके बीच में ब्लड अक्यूमुलेट हो जाता है। ठीक है, पेरिओस्टियम और स्कल की फ्लैट बोन के बीच में ब्लड अक्यूमुलेट होना सिफेल हेमेटोमा कहलाता है। ठीक है, तो ये मेन क्या होता है, यूनिलैटरली होता है, ये बाइलैटरली नहीं होता। मेनली ये यूनिलैटरली ही देखा जाता है, एक साइड में होता है, फीटस हेड के साइड में होगा। ठीक है, और ये वेजाइनल डिलीवरी के समय फीटल स्कल और मैटरनल पेल्विस में फ्रिक्शन के कारण, ये फ्रिक्शन के कारण क्या होता है, जो पेरिओस्टियम होता है, पेरिओस्टियम और पेराइटल बोन से अलग हो जाता है। ठीक है, जो पेरिओस्टियम होता है वो पेराइटल बोन से अलग हो जाता है फ्रिक्शन के कारण। ठीक है, इसके बाद में उसके नीचे ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो सिफेल हेमेटोमा का मेन कारण फोर्सेप्स डिलीवरी होता है, लेकिन कभी कभी स्कल बोन फ्रैक्चर के कारण भी सिफेल हेमेटोमा हो सकता है। ठीक है, सिफेल हेमेटोमा बर्थ के समय कभी भी प्रेजेंट नहीं होता है, परंतु बर्थ के 12 से 24 आवर के बाद में धीरे धीरे डेवलप होता है। ठीक है, बर्थ के टाइम नहीं होगा, बर्थ के 12 टू 24 आवर के बाद में धीरे धीरे डेवलप होगा ही, और इसके धीरे धीरे साइज बढ़ती ही जाती है। ठीक है, एक दिनों तक ये रहता है। ठीक है, और जो बोन होती है, बोन मार्जिन के फिक्सेशन के बावजूद भी सेलिंग के कारण सूतर लाइन तक ही सीमित होती है। ठीक है, सूतर लाइन तक ही ये सेलिंग जो होती है वो वहाँ तक ही लिमिट रहती है, सूतर लाइन तक, सूतर लाइन को क्रॉस नहीं करती है। ठीक है, और जो सेलिंग होती है वो सॉफ्ट होती है, फ्लक्चुएंट होती है। ठीक है, और इनकॉम्प्रेसिबल होती है। ठीक है, और जो सिफेल हेमेटोमा की कंडीशन होती है वो कैप्रोसक्सिटेनियम और मेनिंगोसील से कंफ्यूज होती है। ठीक है, तो जो मेनिंगोसील होता है और कैप्रोसक्सिटेनियम होता है वो भी सिफेल हेमेटोमा की तरह ही सीन होता है, लेकिन वो कंडीशन अलग होती है। ठीक है, तो सिफेल हेमेटोमा के लिए किसी भी तरह का कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं होता है, ये धीरे धीरे अपने आप रिकवर हो जाता है, धीरे धीरे अपने आप स्वेलिंग चली जाती है। ठीक है, धीरे धीरे जो ब्लड एक्यूमुलेट हुआ है वो धीरे धीरे एब्जॉर्ब हो जाता है। ठीक है, तो इसमें 6 to 8 week का टाइम लगता है। ठीक है, और 6 to 8 week के बाद में धीरे धीरे जो स्वेलिंग है वो अपने आप चली जाती है। ठीक है, और जो स्कल की शेप है वो नॉर्मल हो जाती है। उसके बाद में स्कल इंजरी, सेकेंड स्कल इंजरी, तो स्कल फ्रैक्चर। तो स्कल के जो बोन्ड में टिश्यू या डिप्रेस टाइप का फ्रैक्चर हो जाता है। ठीक है, तो इसका कॉज क्या फ्रैक्चर बनेगा, तो डिफिकल्ट फोर्सेप डिलीवरी के कारण फ्रैक्चर हो सकता है, या फिर पेल्विक में सेक्रल प्रोमेंट्री जो होती है उसका प्रोजेक्शन है तो उसकी वजह से भी इंजरी हो सकती है। ठीक है, फ्रैक्चर हो सकता है बोन में, स्कल बोन में। ठीक है, इसके साइन सिम्टम्स क्या होते हैं, सिफेल हेमेटोमा होगा, या फिर सिफेल हेमेटोमा होगा, या फिर इंट्राक्रैनियल हेमरेज भी हो सकता है। ठीक है, इंक्रीज इंट्राक्रैनियल प्रेशर, ठीक है, न्यूरोलॉजिकल डिस्टर्बेंस हो सकता है, या लीकेज ऑफ सेरेब्रल स्पाइनल फ्लूइड हो सकता है, या फिर कन्वर्जेंस भी आ सकते हैं। ठीक है, इसका
एग्जामिनेशन क्या होगा, एक्सरे ऑफ स्कल। तो स्कल का एक्सरे कर सकते हैं, ठीक है, सीटी स्कैन कर सकते हैं और एमआरआई ऑफ स्कल भी कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में इसका ट्रीटमेंट, तो ट्रीटमेंट के लिए सर्जरी करके ही ये फ्रैक्चर बोन ओपन होती है, इसको बाहर निकाला जाता है। डिप्रेस फ्रैक्चर है तो उसकी सर्जरी करके फ्रैक्चर बोन को बाहर निकाला जाता है, ठीक है। और जो लीनियर फ्रैक्चर में, जो लीनियर फ्रैक्चर है वो 2 वीक के अंदर अंदर स्पॉन्टेनियसली रिकवर हो जाता है, इसमें किसी भी स्पेसिफिक ट्रीटमेंट की नीड नहीं होती है, ठीक है। और इस इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए एंटीबायोटिक्स एडमिनिस्टर किए जाते हैं, ठीक है। और इसके अलावा अदर इंजरी देखते हैं तो सबसे पहले स्किन इंजरी। स्किन इंजरी के क्या प्रोसेस होते हैं, जैसे फोर्सेप्स ब्लेड का यूज हो या वैक्यूम का यूज करके डिलीवरी की जाए, या फिर स्कैल्प इलेक्ट्रोड लगा हो, स्कैल्पल्स लग जाए, या फिर सिजेरियन सेक्शन के दौरान इंजरी हो सकती है। इसके साइन सिम्टम क्या हो सकते हैं, एब्रेशन हो सकता है, लेसरेशन हो सकता है, ठीक है, ब्रूइजिंग हो सकती है, डिसकलरेशन हो सकता है और हार्डनिंग हो, स्किन भी हो सकती है, ठीक है। इसका डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन कैसे करेंगे, तो जो स्किन इंजरी है उसको प्रॉपर इंस्पेक्शन और पार्टेशन करके डायग्नोस किया जा सकता है, ठीक है। इसका ट्रीटमेंट, जो अफेक्टेड एरिया है उसको क्लीन और ड्राई रखना चाहिए, और इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए एंटीसेप्टिक का यूज करना चाहिए, प्रोफाइलैक्टिक एंटीबायोटिक्स लेनी चाहिए, ठीक है। डीप लेसरेशन है तो बैंडेड अप्लाई करनी चाहिए, ठीक है। और अगर सुचरिंग की नीड है तो सुचर भी लगा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में ये हो गया स्किन इंजरी। उसके बाद में सेकेंड होता है सुपरफिशियल टिशू इंजरी। तो सुपरफिशियल टिशू इंजरी में क्या होगा कि ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ वेनस ब्लड फिल्टर, इसके कॉज होगा ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ वेनस ब्लड फिल्टर, ठीक है। और सेकेंड कॉज है कंजेशन ऑफ ब्लड ड्यू टू प्रेशर, ठीक है। इसके साइन सिम्टम्स क्या होंगे, ये प्रेजेंटेशन के आधार पर होते हैं। इसके साइन सिम्टम्स जैसे वर्टेक्स अगर प्रेजेंटेशन है तो कैप्यूल सक्सीडेनियम हो सकता है, बीच प्रेजेंटेशन है तो जेनाइटल ऑर्गन्स की इंजरी हो सकती है, ठीक है। और अगर फेस प्रेजेंटेशन है तो स्वेलिंग ऑफ आई लिड्स हो सकता है, ठीक है। इसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, तो मेनली जो स्वेलिंग है वो जनरली 24 to 36 आवर्स में रिकवर हो जाती है, ठीक है। तो उसको कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। जो कंप्यूट सब्सिडेंटी में उसकी प्रॉपर केयर करनी चाहिए और स्वेलिंग एरिया को क्लीन और ड्राई रखना चाहिए, ठीक है। ये उसकी होंगे इसका ट्रीटमेंट। अब थर्ड देखते हैं मसल इंजरी। तो मसल इंजरी में एक्सटर्नो मास्टोइड हेमेटोमा या ट्यूमर, ठीक है। इसमें क्या होता है, ये बर्थ के 7 to 10 डेज के बाद में दिखाई देता है, ठीक है। और ये मेनली एक्सटर्नो मास्टोइड मसल्स होती है उसके लोअर पार्ट में होती है, ठीक है। इसके कॉजेस क्या क्या होते हैं, इन वर्टेक्स प्रेजेंटेशन टोर्टिकोलिस हो सकता है और ड्यूरिंग बर्थ ऑफ एंटीरियर शोल्डर भी हो सकता है कॉजेस, ठीक है। या फिर ब्रीज प्रेजेंटेशन में तो शोल्डर के रोटेशन के दौरान भी जो इंजरी है वो हो सकती है, ठीक है। तो इन सब कॉजेस की वजह से क्या होता है, जो मसल्स फाइबर्स होते हैं और ब्लड वेसल इंजरी हो जाती है और हेमेटोमा बन जाता है वहाँ पे, ठीक है। अब इसके साइन सिम्टम, तो हार्ड और पेनलेस पाल्पेबल मास वहाँ पे बन जाता है, ठीक है। इसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, तो फिजियोथेरेपिस्ट जो है असिस्ट करेगा, तो फिजियोथेरेपिस्ट असिस्ट के दौरान जो भी उसने बोला है उसके अकॉर्डिंग मसल्स फाइबर की जेंटल स्ट्रेचिंग की जानी चाहिए, ठीक है। और बेबी को अनअफेक्टेड साइड पे ही उसको लिटाना चाहिए, ठीक है। और स्वेलिंग है तो उस पर किसी भी तरह की कोई ट्रीटमेंट की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि 6 मंथ के अंदर अंदर स्वेलिंग अपने आप ठीक हो जाती है, ठीक है। उसके बाद में नर्व इंजरी तो नर्व इंजरी में सबसे पहले फेशियल पाल्सी देखते हैं, ठीक है। तो फेशियल पाल्सी में जो फोर्सेप्स ब्लेड है या हेमरेज
जो हेमरेज हुआ है उसके कारण फेशियल नर्व पर कंप्रेशन हो जाता है, ठीक है, तो उसकी वजह से क्या हुआ, नर्व के चारों ओर स्वेलिंग हो जाती है, तो उसकी वजह से फेशियल पाल्सी होती है। तो यह यूनिलेटरल होती है, इसमें केवल फेस का एक साइड का हिस्सा ही अफेक्ट होता है, ठीक है। इसके साइन सिम्टम्स के अफेक्टेड साइड पे आइज है वो ओपन या फिर इमोबाइल होती है, ठीक है, तो ओपन रहेगी या फिर इमोबाइल होती है अफेक्टेड साइड पे आइज, या फिर ड्राइंग के टाइम पे बेबी के माउथ दूसरी तरफ खिसक जाता है, ठीक है। इसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, तो जो ओपन आई है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए स्लीप के टाइम पे उसके ऊपर स्टेराइड पैड रख देंगे, ठीक है, स्टेराइड पैड से उसको कवर करेंगे, ठीक है, और आईज पर एंटीसेप्टिक ऑइंटमेंट अप्लाई करेंगे, ठीक है। और जनरली अगर किसी प्रकार की इंट्राक्रैनियल इंजरी नहीं है तो ये कंडीशन अपने आप रिकवर हो जाती है, ठीक है। उसके बाद में ब्रेकियल पाल्सी, ठीक है, पहला था नर्व इंजरी में फेशियल पाल्सी, दूसरा है ब्रेकियल पाल्सी, तो इंजरी इन ब्रेकियल फ्लेक्सेस, ठीक है, तो ब्रेकियल फ्लेक्सेस में इंजरी होना ब्रेकियल पाल्सी होता है। इसका कॉजेस क्या होता है कि ओवर स्ट्रेचिंग होना, ठीक है, या फिर नर्व शीथ में इफ्यूजन या हेमरेज होना, ठीक है, शोल्डर डिस्ट्रोशिया होना, या फिर टीयरिंग ऑफ नर्व फाइबर होना, ठीक है। इसके दो टाइप होते हैं ब्रेकियल पाल्सी के, दो टाइप होते हैं, एक होता है अर्थ पाल्सी, एक होता है ग्लेम्स की पाल्सी। तो अर्थ पाल्सी में क्या होता है, ये कॉमन टाइप का एक पाल्सी है जिसके अंदर फिफ्थ और सिक्स्थ क्रेनियल नर्व रूट होती है वो इन्वॉल्व होती है इसमें, ठीक है, फिफ्थ और सिक्स्थ सर्वाइकल क्रेनियल नहीं सॉरी फिफ्थ और सिक्स्थ सर्वाइकल नर्व, ठीक है। इसके जो साइन सिम्टम्स होते हैं वो क्या होते हैं कि इसमें जो एल्बो है उसकी पोजीशन वेटर टिप पोजीशन में एल्बो हो जाता है, ठीक है, इसमें क्या जो रिस्ट होते हैं मतलब जो हैंड होता है बेबी का वो वेटर टिप पोजीशन में हैंड हो जाता है, मतलब इसमें क्या होता है एल्बो होगी वो एक्सटेंड होती है और रिस्ट होगी वो फ्लेक्सन होगी, ठीक है, तो इस पोजीशन में होता है, ठीक है, तो इस पोजीशन में हो जाता है, ठीक है, तो इसको बोलते हैं वेटर टिप पोजीशन, ठीक है, और ये इसका मेन होता है। उसके बाद उसके ट्रीटमेंट, तो ट्रीटमेंट के लिए आर्म को राइट एंगल से अबडक्ट करने के लिए स्प्लिंट का यूज किया जाता है, ठीक है, स्प्लिंट अप्लाई किया जाता है और अफेक्टेड एरिया की मसाज की जाती है और या फिर बेसिक मूवमेंट करके भी इसको ट्रेक किया जा सकता है, ठीक है। उसके बाद में सेकेंड है क्लैंप की पाल्सी, पहला देख लिया आर्म पाल्सी, दूसरा क्लैंप की पाल्सी। तो क्लैंप की पाल्सी में क्या होता है कि जो सेवन्थ और एट्थ सर्वाइकल नर्व रूट है वो अफेक्ट होता है, ठीक है, और जो फर्स्ट थोरेसिक नर्व रूट है वो भी साथ में अफेक्ट होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि फोर आर्म का पैरालिसिस होता है, जिसमें क्या होता है एल्बो फ्लेक्सन होता है और रिस्ट एक्सटेंडेड हो जाती है, ठीक है, इस पोजिशन में होती है क्लैंप की पाल्सी, ठीक है। तो इसका ट्रीटमेंट कैसे होता है, फोर आर्म को सीधा करके स्प्लिंट अप्लाई किया जाता है, ठीक है, और स्प्लिंट लगाते समय फिंगर्स को भी सीधा रखना चाहिए, ठीक है, स्प्लिंट लगेगा तो फिंगर्स भी सीधी रखनी चाहिए, नहीं तो फिंगर्स की पोजीशन ये हो जाती है, और आर्म की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए सर्जिकल नर्व रिपेयरिंग भी की जा सकती है, ठीक है। इसके बाद में बोन इंजरी या फिर फ्रैक्चर, तो कॉमनली स्कल क्लेविकल और ह्यूमरस फीमर बोन में फ्रैक्चर होता है, ठीक है। तो सबसे पहले क्लेविकल फ्रैक्चर में के कोड्स क्या होते हैं, क्यों होता है क्लेविकल फ्रैक्चर, तो कंप्लीट ब्रीफ प्रेजेंटेशन हो, ठीक है, या फिर शोल्डर डिस्टोशिया हो, तो इस वजह से जो होता है वो क्लेविकल फ्रैक्चर हो सकता है। और साइन सिम्टम्स क्या होते हैं, डिसलोकेशन ऑफ क्लेविकल बोन, ठीक है। और सेकेंड ह्यूमरस फ्रैक्चर, तो ह्यूमरस फ्रैक्चर में ब्रीच विद एक्सटेंडेड आर्म, तो ब्रीच विद एक्सटेंडेड आर्म इसमें होता है, ठीक है। इसके साइन सिम्टम्स क्या होते हैं कि आर्म का पाल्पेशन करने के लिए बेबी अपने हाथ को दूसरी साइड में मोड़ लेता है, ठीक है, ये इसका मेन सिम्टम होता है, और बोन को टच करने पर वह क्राई करता है, ठीक है। उसके बाद में थर्ड है फीमर फ्रैक्चर, फीमर फ्रैक्चर का कोज क्या है, ब्रीच विद एक्सटेंडेड लेग,
ठीक है, तो ब्रीथ विद एक्सटेंडेड लेग इसका मेन गोल है। ठीक है, इसके साइन सिम्टम्स क्या है, बेबी के लेग को पालपेट करने पर वो अपने लेग को भी दूसरी साइड में मोड़ लेता है। और इसके डायग्नोसिस कैसे करते हैं, तो एक्सरे करके, एक्सरे करवा के हम उसका डायग्नोसिस कर सकते हैं, फिर फिजिकल एग्जामिनेशन के दौरान भी बोन की कंटिन्यूटी चेक कर सकते हैं। ठीक है, और इसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, ट्रीटमेंट ऑफ फ्रैक्चर, तो फ्रैक्चर बोन को रेस्ट प्रोवाइड करना है। ठीक है, और जो अफेक्टेड पार्ट है, अफेक्टेड लिंब है, उसको इमोबिलाइज करना है। ठीक है, स्प्लिंट अप्लाई करना है और बोन पर प्लास्टर कास्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद में प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं, प्रिवेंशन ऑफ इंजरी इन न्यू बोर्न। ठीक है, तो प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं, तो प्रिवेंशन के लिए सबसे पहले बर्थ इंजरी को कम करने के लिए और पेरिनेटल मोर्टेलिटी और नियोनेटल मॉर्बिडिटी की जो रेट होती है वो भी कम हो जाती है। ठीक है, तो इसके लिए क्या होता है, जो एंटीनेटल और इंट्रानेटल केयर प्रॉपर दी जानी चाहिए। तो एंटीनेटल पीरियड में क्या करना चाहिए, जो हाई रिस्क केसेस है, हाई रिस्क मदर है, तो उनको अर्ली डिटेक्शन करके उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट करना चाहिए। ठीक है, जैसे कि अर्ली डिटेक्शन करना चाहिए, जैसे कि प्रीवियस केरियन सेक्शन है, या फिर कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस है, या सिफेन पेल्विस है, या फिर डिस्प्रोपोर्शन है, या माल प्रेजेंटेशन है बेबी का। ठीक है, ब्रीच या ट्रांसफर प्रेजेंटेशन है, तो वेजाइनल, तो इस कंडीशन क्या होता है, वेजाइनल डिलीवरी में होने वाली इंजरीज को प्रिवेंट करने के लिए प्रॉपर ट्रीटमेंट देना चाहिए। ठीक है, दूसरा इंट्रानेटल प्रिवेंशन क्या करना चाहिए, तो इंट्रानेटल प्रिवेंशन के लिए एंटीनेटल पीरियड में बर्थ इंजरी को लेबर के टाइप्स में, फीटस के प्रेजेंटेशन में, ऑपरेटिव प्रोसीजर के आधार पे प्रिवेंट किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले ड्यूरिंग नॉर्मल लेबर के दौरान क्या करना चाहिए, अगर फीटल डिस्ट्रेस हो रहा है तो उसका अर्ली डिटेक्शन करने के लिए कंटिन्यूस फीटल मॉनिटरिंग करनी चाहिए। ठीक है, सेरिब्रल एनोक्सिया अगर है तो उसको प्रिवेंट करने के लिए लेबर को जल्दी से जल्दी करवाना चाहिए। ठीक है, और एपिसियोटॉमी करते समय पेरिनियम को स्ट्रेचिंग करने के लिए हेड और पेरिनियम के बीच में दो फिंगर डाल के फिर एपिसियोटॉमी करनी चाहिए, ताकि स्कल्प इंजरी को प्रिवेंट किया जा सके। ठीक है, और ब्रेकियल फ्लेक्सस की इंजरी को मिनिमाइज करने के लिए शोल्डर की डिलीवरी के दौरान नेक को बिना कारण खींचना नहीं चाहिए। ठीक है, उसके बाद में ड्यूरिंग प्री टर्म लेबर में क्या प्रिवेंशन करना चाहिए, तो एनोक्सिया को प्रिवेंट करने के लिए ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन करना चाहिए। ठीक है, स्ट्रॉन्ग सेडेटिव्स का यूज अवॉइड करना चाहिए और इंट्राक्रेनियल कंप्रेशन को कम करने के लिए एपिसियोटॉमी करनी चाहिए। ठीक है, और हेमरेज को प्रिवेंट करने के लिए 1 mg विटामिन के IM देना चाहिए बेबी को। और उसके बाद में ड्यूरिंग ब्रीच डिलीवरी, तो ब्रीच डिलीवरी क्या प्रिवेंशन कर सकते हैं, तो वेजाइनल डिलीवरी को केयरफुली कंडक्ट करवाना चाहिए और ब्रीच डिलीवरी के हेड को प्रिकॉशन के साथ में डिलीवर करना चाहिए। ठीक है, उसके बाद में फोर्थ है ड्यूरिंग फोर्सेप डिलीवरी, तो फोर्सेप डिलीवरी को केयरफुली, जो फोर्सेप्स है उनको केयरफुली अप्लाई करना चाहिए। ठीक है, और डिफिकल्ट फोर्सेप्स को अवॉइड करके सीजेरियन सेक्शन प्रिपेयर करना चाहिए। ठीक है, और अगर ब्लेड्स हैं, जो फोर्सेप डिलीवरी के जो ब्लेड्स हैं वो प्रॉपर लॉक नहीं हो रही हैं, तो ट्रैक्शन अप्लाई नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो ये सब हो गया प्रिवेंशन ऑफ इंजरी, तो कैसे प्रिवेंट किया जाए बर्थ इंजरी को। ठीक है,